और ट्रेन पेस्ट्री की खुशबू बहुत अच्छी तेज होती थी। तो लेकिन वो दौर आपके लिए यूं बहुत महत्वपूर्ण रहा, मतलब आर्थिक संघर्ष के, अगर क्योंकि आप कई बड़े लेखकों से मिले, चित्रकारों के, वहाँ पर मैंने लेफ्ट से ज्यादा संपर्क किया, वो आसान भी था, जैसे कि लुइया रघुम वगैरह थे तो उनका उनका पेपर भी निकलता था, ये लेटर फ्रांसिस, तो उनके ये यंग पोइट से जो काम करते थे वो बहुत, उनमें से दो तीन बहुत अंग्रेजी जानते थे, इससे कि उनसे मिलना बहुत होता था। अच्छा, लेझे की कला, चूंकि आप लेझे से आपने सीखा भी है थोड़ा बहुत, और उनकी कला के बारे में जो किताब लिखी है जॉन बर्जर ने, पिकासो वाली किताब सक्सेस एंड फेल्योर, उसमें उन्होंने लेझे को ज्यादा रेलिवेंट और बड़ा चित्रकार बताया है एक जगह, मतलब जब बहस पर, खुद आपको क्या लगता है कि क्योंकि आप लेझे से आपका संपर्क थोड़ा बहुत हुआ? बहुत ऐसे तो कह, जैसे महान चित्रकार होते हैं कि छुट्टे उनकी नज़र ऐसी जाती थी कि जो सही को, सही चीज़ को पकड़ लेती थी, ऐसी कहीं कोई दुविधा नहीं होती थी, मन में कोई संशय नहीं होता था, तो देखते ही वो हफ्ते में एक दिन आते थे और लोग अपनी पेंटिंग दिखाने को रख देते थे, वो बताते थे कि इसमें ये कैसी है, इसमें क्या खराबी है क्या, लेकिन बहुत बहुत एकदम मिनटों में, और बहुत अच्छे व्यक्ति भी बहुत अच्छे थे, मिलनसार थे, ह्यूमैनिटेरियन नाम से, और चित्रकार भी बहुत अच्छी तरह के थे, अपने अलग तरह के थे। तो वो उन्होंने कभी आपकी पेंटिंग देखकर भी कोई कमेंट किया? तब तो मैं काफी मैच्योर तय कर था, तो देखा उन्होंने काफी कहा, एक बार कहा कि आज में ओरिएंटल टच मालूम पड़ता है, तो वो मैंने देखा कि इंडियन है तो ओरिएंटल टच हुआ थोड़ा सा, लेकिन तब मेरा काम में कुछ बहुत स्टूडेंट की तरह कई काम था, ऐसे तो मैंने कभी दिल्ली में आर्ट कॉलेज में वगैरह, हाँ, लेकिन शारदा वकील में, शारदा वकील में शाम को ले गए थे, वो सैयद मुखर्जी की वजह से थोड़ा सा वो हुआ, लेकिन आपको लगता है कि लेजे की पेंटिंग या उनकी कला को मतलब पिकासो के साथ की तुलना की जा सकती है? नहीं, पिकासो अलग तुलना नहीं, बिल्कुल वो अलग तरह के चित्रकार थे, उनका उनका वो भी अलग था कि, तो पिकासो तो बहुत तरह के तरह से अलग विधाओं में काम करते थे, ये लेजे एक ही तरह से किया था इन्होंने, तो इनकी तुलना उसमें से तुलना करना भी माती से पिकासो की तुलना या बात से करना ठीक नहीं था। हालांकि माती से उनके पैरेलल शो कई बार मैंने लंदन में एक शो देखा था जिसमें पिकासो और मातीस दोनों का टेट में काम एक साथ रखा गया था, कई बार लोग उसको पैरेलल देखना चाहते हैं, लेकिन शायद जॉन बर्जर तो इसलिए कि वो उनको उनके मार्क्सिस्ट थिंकिंग को लेजे की दुनिया ज्यादा सूट करती थी, इसलिए शायद उन्होंने इस बात पर जोर दिया। अच्छा, आप कहानीकार, आपने दो उपन्यास भी लिखे हैं और आपकी कई कई कहानी संग्रह हैं, तो अब चूंकि आपकी चूंकि ख्याति एक चित्रकार के रूप में ज्यादा है और बहुत बड़ी ख्याति है, बल्कि आपको तो मास्टर कलाकारों में माना जाता है, तो आप जबकि कहानी में आप निर्मल वर्मा कहते हैं कि आप, उन्होंने आपसे उस तरह से नहीं सीखा लेकिन आपके पैशन से सीखा, जैसे आपकी शायद मतलब जिस आपका काम करने का जो ढंग था, इस बारे में आपका क्या वैसे विचार है? क्या मैं समझा नहीं? उसमें एक, क्योंकि आपकी जो उस समय जो इमेज थी 50s में, एक बहुत बड़े कहानीकार और लेखक थी, आज जो है बिल्कुल उलट है, तो क्योंकि अब खैर आर्ट में तो मनी भी है और उसमें ग्लैमर भी है,
तो आपको क्या लगता है कि उस समय आप उसके प्रति उदासीन थे, आज भी उसके प्रति उदासीन तो नहीं रहे कभी? नहीं, इमेज को लेकर कि मेरे लेखक के रूप में मेरी इमेज है या चित्रकार के रूप में है? नहीं, वो ऐसे ही होता रहा कि रामस की बात कि मैं दोनों को कंटिन्यू नहीं कर सका। मैंने कहा कि एक ही कर सकता हूँ, क्या पेंटिंग या राइटिंग। तो फिर पेंटिंग का, पेंटिंग में अधिक रास्ते निकलते गए या सुविधाएँ मिलती नहीं, तो पेंटिंग करते रहा। तो फिर इसको धीरे धीरे कहानी को छोड़ ही दिया। यानी कि आपने कहानी लगभग छोड़ी कब होगी, किस किस किन दिनों लिखना लगभग छोड़ दिया? हाँ, जैसे अंतिम कहानी मेरे ख्याल में पता ही करीब करीब नहीं करीब करीब, करीब 70 के करीब, 70 के करीब। लेकिन यात्रा संस्मरण तो आपने बाद में भी, एक बार निर्माण में आपने ब्राजील और ये जो माचू पिच्चू के लिखे थे, ये तो यात्रा तो मैं जरूर लिखता रहा और कभी लेखनी से संबंध टूटा नहीं, इसलिए कि ये यात्रा संबंधी विवरण में देता रहा। लेकिन कहानियां नहीं लिखी फिर? नहीं, कहानी नहीं लिखी। कहानी बहुत पेपर लिखने को जी भी चाहता है और बहुत आते भी हैं, विचार भी आते हैं इस समय, लेकिन फिर मैं छोड़ ही देता हूँ। अभी भी आते हैं? हाँ, अभी भी आते हैं। मन करता है कि मैं कच्चा देख सकता हूँ, उतना उतनी अच्छी तरह से